हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजे स्टडीज में। मैं अर्जुन देवासी और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। जी हाँ, रॉ, जिसे दुनिया की टॉप 5 खुफिया एजेंसियों में भी गिना जाता है। तो चलिए बात करेंगे रॉ के बारे में, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी स्थापना कब हुई और इसके मुख्य कार्य, इसकी छोटी छोटी इकाइयाँ और ये कैसे काम करता है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये देख रहे इसका जो कि लोगो है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या संपेक्स में जिसको हम रॉ बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है अनुसंसाधन और विश्लेषण, ये थोड़ा टाइपिंग गलत है और इसका नाम है विंग। भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है और इसका गठन सितंबर 1968 में किया गया था, जब अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो वर्तमान में IBA जो कि अंग्रेजों के द्वारा उसका गठन किया गया था, जो कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मामले भी संभालती थी, लेकिन वर्तमान में IBA जो कि घरेलू मामले संभालती है और रॉ है जो कि विदेशी मामले संभालती है। और इसकी ज़रूरत हमें 1962 के भारत चीन युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी तरह कार्य न कर पाने पाई थी, जिसके चलते भारतीय सरकार को एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियाँ जमा कर सके। यानी कि जो पहले IB थी यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो या अन्वेषण ब्यूरो, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय मामले भी संभालती, लेकिन 1962 भारत चीन युद्ध व 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में वह अच्छे कार्य न कर पाई और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और हम 1962 की वॉर हार गए। और तब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक ऐसी सरकारी या ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां जमा कर सके। और रॉ का मुख्य कार्य भी यही है कि जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना। इसके साथ ही ये विदेशी सरकारों, कंपनियों व इंसानों से मिली जानकारी पर भी कार्य करता है, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। रॉ का मुख्यालय है जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान निदेशक यानी कि डायरेक्टर सामंत गोयल है जो कि पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर हैं। और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में रॉ फॉर्मेशन में आया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और वर्तमान में संस्था कार्यपालक सामंत गोयल है जो कि सचिव है, और ये जो कि सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, ये संसद के लिए जमादारी नहीं होती। और रॉ के अंतर्गत आने वाले को सस्ता एनिवेशन रिसर्च सेंटर, द रेडियो रिसर्च सेंटर, द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये सब रॉ के अंतर्गत आती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन से पहले विदेशी जानकारियों को जमा करने का काम अन्वेषण ब्यूरो यानी कि IB करती थी, जिसे ब्रिटिश ने बनाया था। 1933 में विश्व में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, अन्वेषण ब्यूरो की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई ताकि भारत के सीमावर्ती इलाकों से जानकारी इकट्ठा की जा सके। और ये उस वो समय था जब हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, उस समय से 1933 में IB का गठन किया गया था, उससे पहले भी किया गया था, यानी कि जो वर्तमान में इंटेलिजेंट ब्यूरो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संजीव पिल्लई ने IB के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में भूमिका संभाली, और ब्रिटिशों के जाने के बाद आई गिरावट के कारण पिल्लई ने ब्यूरो को MI5 का अनुसरण करते हुए चलाने की कोशिश की, लेकिन 1949 में पिल्लई ने एक छोटे विदेशी जानकारियों में ऑपरेशन शुरू किया, परंतु 1962 में भारत चीन युद्ध में असंगता सामने आई, यानी कि IB को हमें ये IB के कार्य करने से हमें ये लगा कि हम 1962 में उसकी विफलता के कारण भारत चीन से युद्ध हार गया। और
विदेशी जानकारी भारत चीन युद्ध अक्टूबर 20 नवंबर 21 1962 के दौरान ये युद्ध चला था के दौरान नाकामयाबी के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के गठन का आदेश दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय थल सेना के सचिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंत नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत बताई, यानी कि इन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया कि हमें भारत को युद्ध या बाहरी मामलों पर नज़र रखने के लिए हमें और ज़्यादा जानकारी की जरूरत है, इतनी जानकारी में हम युद्ध नहीं जीत सकते। 1962 के अंत में एक अलग स्वतंत्र विदेशी गुप्तचर संस्था बनाने की योजना आकार लेने लगी। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये निश्चय लिया गया कि एक पूर्णतया अलग सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है और आरएन कायो जो उस वक्त अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक थे उन्होंने एक नई संस्था का ढांचा पेश किया, यानी कि रॉ के फादर के नाम से आरएन काओ को जाना जाता है, इन्होंने ही इनका ढांचा पेश किया था। काओ को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पहला सचिव भी बनाया गया। रॉ को योजनाबद्ध विदेशी जानकारी मनुष्य एवं तकनीकी और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंट के समानांतर जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें सीमा पार की जानकारी इकट्ठा करना शामिल था। रॉ ने अन्वेषण ब्यूरो के एक विभाग के रूप में 250 कार्यकर्ताओं के साथ 2 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट पर काम करना शुरू किया और 70 के दशक की शुरुआत में इसका वार्षिक बजट बढ़कर 30 करोड़ हो गया। जब इसके कार्यकर्ताओं की संख्या कई हजार हो गई, 1971 में काओ ने सरकार को एविएशन रिसर्च सेंटर एआरसी गठन करने के लिए मना लिया। एआरसी का काम हवाई परीक्षण करना था जिसने भारतीय वायुसेना के पुराने टोई विमानों की जगह ले ली और 1990 के मध्य में रॉ ने एआरसी के जरिए चीनी और पाकिस्तानी सीमा के निकट के बंकरों के उच्च दर्जे के हवाई क्षेत्र भी प्राप्त कर लिए। वर्तमान में रॉ का बजट $250 मिलियन से $32 मिलियन तक सड़ता उतरता रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ द रेडियो रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक एंड टैक्स सर्विसेज जैसी संस्थाओं में 1970-1990 में जुड़ गई। 1990 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रॉ की सशक्त बल भी बन गई और गोपनीय सैन्य अभियानों में सहकार्य प्रदान करने लगे। 2004 में भारतीय सरकार ने नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी सहकारी संस्था का गठन भी किया जिसे माना जाता है कि वह रॉ का एक विभाग है, परंतु अब तक इसकी विचारधारा भी गुप्त रही है। अब तक इसका कार्य गुप्त रखा गया है, परंतु ये भी माना जाता है कि इसका कार्य जानकारी व चित्रों पर कई तकनीकी का उपयोग करके ध्यान भी रखा जाता है। जॉइंट इंटेलिजेंट कमिटी जो कि कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत आती है, ये कार्य रॉ अन्वेषण ब्यूरो एवं डिफेंस इंटेलिजेंट एजेंसी के बीच सहकार्य स्थापित करना और उसके द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण करना है। 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के गठन के बाद JICEC यानी कि जॉइंट इंटेलिजेंट कम्युनिटी का कार्य उसके साथ जोड़ दिया गया। रॉ का कानूनी स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ, उसके अनुसार ये संस्था नहीं बल्कि कैबिनेट का एक विभाग है और इसी तरह रॉ भारतीय संसद में जवाबदार नहीं है और इसी कारण ये सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि रॉ है वो संसद में किसी भी तरह का जवाबदारी नहीं है, वो सीधे जॉइंट इंटेलिजेंट कमेटी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अन्वेषण ब्यूरो मिलिट्री इंटेलिजेंट ये सीधी कैबिनेट सेक्रेटरी से वहाँ पे जवाब देती है और कैबिनेट सेक्रेटरी सीधे प्रधानमंत्री, यानी कि इसके लिए कोई भी मंत्री या संसद में इसका जो कि ये इसके बारे में कोई जवाबदार ये नहीं है। और इसका उद्देश्य वर्तमान में रॉ का उद्देश्य जो कि ये है नीचे दिए हुए, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है, यानी कि रॉ चाहे भारत के बारे में कोई आने वाला खतरा हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो,
चाहे वो अंदरूनी हो बाहर हो, वो सबके लिए एक रो काम करता है। विदेशी सरकारों व सेना की गतिविधियों पर ध्यान रखना जिसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, अंतर्राष्ट्रीय जनता के मन में भारत के प्रति जागरूकता निर्माण करना, भारत चीन युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की बिगड़ी स्थिति के कारण रो के उद्देश्यों में ये भी शामिल कर दिया गया है, सोवियत संघ व चीन के बीच घट रही घटनाओं पर भी ध्यान देना क्योंकि इसका असर सीधा भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रभावित करने में सक्षम है। पाकिस्तान को ज़्यादातर यूरोपीय देशों अमेरिका चीन से मिल रही सैन्य मदद को नियंत्रित करना ये भी रो के अंतर्गत आता है। चलिए ये था रो के बारे में एक शॉर्ट वीडियो था, लेकिन आज तक रो के द्वारा किए गए ऑपरेशनों का वीडियो भी मैं अगले इसका पार्ट टू बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा रो के द्वारा किए गए सभी ऑपरेशनों के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला रो के बारे में वीडियो है जो आप तक मिल सके।